नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सदर से आयोजित हुई मैराथन दौड़, विभिन्न आयु वर्ग के एथलीट हुए शामिल, विजेताओं को प्रदान किए गए पुरस्कार। और चाकूबाजी की घटना में युवक हुआ घायल, मंडी मदार टेकरी की वारदात, मामले की विवेचना कर रही हनुमानताल पुलिस। रक्षाबंधन के पूर्व ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करने वाली संस्था हम फाउंडेशन के द्वारा नेत्रहीन कन्याओं के साथ राखी का त्यौहार मनाकर उन्हें उपहार एवं मिष्ठान प्रदान किए गए। इस दौरान दृष्टिहीन बालिकाओं के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आए। राइटाउन स्थित नेत्रहीन कन्या विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां बिखरी। दरअसल सामाजिक संस्था हम फाउंडेशन के सदस्यों ने वहां पहुंचकर दृष्टिबाधित बालिकाओं से राखी बंधवाई और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उपहार एवं मिष्ठान दिए। संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा हर पर्व की खुशियाँ नेत्रहीन बालिकाओं, अनाथालय के बच्चों एवं वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ साझा की जाती है। आज रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर हम फाउंडेशन भारत ने जबलपुर महानगर के द्वारा आज यहाँ नेत्रहीन कन्याशाला में रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा था। हम सब ने अपने बहनों से राखी बांधी है और एक छोटे से आयोजन के रूप में हमने सब ने सबको मिष्ठान वितरित कर यह शुभ दिवस जो है मनाया है। हमारा हम फाउंडेशन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में काम करता है और गरीबों की मदद, स्कूल में कॉपी पेंसिल जहाँ, और न्याय जहाँ पे परिवारों के बीच मतभेद है वहाँ हमारी न्यायपालिका भी एक बनी हुई है। आज समस्त क्षेत्र में हमारे कार्य है। गौरीघाट में बड़े वाहनों की पार्किंग समस्या है। नर्मदा में जल स्तर बढ़ने के दौरान भी लोग कारों को नाव घाट तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते जाम लगता है। नर्मदा भक्तों को परेशानी झेलना पड़ती है। बारिश के दौरान जब बरगी डैम के गेट खुलते हैं और नर्मदा का जल स्तर बढ़ जाता है, उस समय गौरीघाट में बड़े वाहनों को भी लोग नाव घाट तक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि जब नर्मदा का जल स्तर बढ़ा रहे उस समय कारों को नीचे तक ले जाने पर रोक लगाना चाहिए, बड़े वाहनों को ऊपर ही रोक दिया जाए ताकि कोई दुर्घटना और जाम की आशंका ना रहे। तटों पे जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, अभी बाढ़ का समय है, बारिश का मौसम है, इसमें पानी बढ़ा हुआ रहता है। नीचे जो तट है, नर्मदा तट, जहाँ पे अधिकांश वाहनों की, बड़े वाहनों की पार्किंग होती है, वो स्थान डूबा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ 100 में से एक प्रकार से 80-50% जगह जो है पार्किंग की वो डूबी रहती है, तो वाहन नीचे तक आने से जाम की स्थिति बनी रहती है। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, फोर व्हीलर वाहन जो हैं सीधे तट तक प्रवेश करते हैं और जिसकी वजह से हर घंटे आध घंटे में जाम लग जाता है, और ख़ास तौर पर रात में महाआरती के रिस्क तो है ही है। स्थानीय पुलिस पार्किंग की समस्या का समाधान करा सकती है, लेकिन जनता को होने वाली परेशानी की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं देते। गोल बाजार के आसपास स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई गई करोड़ों रुपए की सड़क बदहाल है। जगह जगह से उखड़ चुकी सड़क में सीमेंट के ठिगड़े लगाए जा रहे हैं। नए सड़क पर कराया जा रहा पेच वर्क चर्चा का विषय बना हुआ है। गोल बाजार में करीब 28 करोड़ रुपयों की लागत से बनाई गई नई सड़कें उखड़ने लगी हैं। पुरानी सड़कों के उखड़ने पर पेच वर्क कराया जाना तो आम बात है, लेकिन इस नई सड़क पर पेच वर्क होते देखकर लोग हैरत में हैं। मालवीय चौक से शहीद स्मारक मार्ग पर जगह जगह थिगड़े लगाए जा रहे हैं, जो सड़क निर्माण कार्य की पोल खोल रहे हैं। ये रोड में थिगड़े लगे हुए हैं, ये स्मार्ट सिटी काम है और जो रोड बनी है ये लापरवाही हो रही बहुत बड़ी, जो प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है और प्रशासन इसमें लापरवाही, इसमें अधिकारी उच्च अधिकारियों को देखना चाहिए। स्मार्ट सिटी काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो धांधली की जा रही है, काम अच्छा होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए, और सबसे पहले इसकी जाँच होना चाहिए, इसका कार्य अच्छा होना चाहिए, लोगों को पैसा है जी। चार दिन चलती है फिर तगड़ा लग गया, 10 दिन नहीं चली रोड फिर तगड़ा लग गया। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों से स्मार्टनेस गायब है और गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाम सेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 32वां संयुक्त राज्य अधिवेशन पीएसएम कॉलेज सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें ओबीसी की जातिगत गणना, पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की गई।
पीएसएम कॉलेज परिसर में आयोजित वाम सेव सम्मेलन, यूसीसी, पुरानी पेंशन बहाली, ओबीसी की जातिगत जनगणना, आदिवासियों के कानूनी अधिकारों एवं समस्याओं समेत अन्य मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। मुस्लिम बने या अखंड भारत कहा जाता है आप लोगों को। संगठन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा लगातार इन मसलों को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है और अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को पूरा कराने के लिए भी कार्य किया जाएगा। ओबीसी की जाति आदेश गणना होना अनिवार्य है, इसलिए उस चर्चा को विषय के लिए रखा गया है। कहां कहां से लोग आए हैं? यहां पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से है सर, 158 तहसील से है और 52 जिलों से लोग यहां पे आए हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में। चाहते हैं हम लोग ये चाहते कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, यूसीसी कानून रद्द होना चाहिए, नई पेंशन पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, पुरानी पेंशन का भी मुद्दा रखा हुआ है कि पुरानी पेंशन रिवाइज होना चाहिए। अधिवेशन में प्रदेश के 52 जिलों से आए सदस्य शामिल हुए। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समानता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियां शामिल हुई। गार्डन खेड़ा में आयोजित हुए कार्यक्रम में मयूर मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों ने नारी शक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और महिलाओं के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। इस संस्था से मिलकर हम सभी अपने अपने अधिकारों को भी जान पा रहे हैं और ये संस्था अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। हम सभी महिलाओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, सभी महिलाओं का आभार व्यक्त करते हैं। सरकारी संरक्षण के अभाव में पान खेती विलुप्त होने की कगार पर है। पान विकास निगम के गठन की मांग अब तक अधूरी है, जिससे चौरसिया समाज आक्रोशित है। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के सदस्यों का कहना है कि यदि राजनीतिक दलों ने उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया तो विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके समाज को जनसंख्या के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल ने प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया है, लिहाजा अब कई सीटों पर चौरसिया समाज निर्दलीय प्रत्याशी उतारेगा। पिछले 10-15 वर्षों से उठ रही पान विकास निगम गठन की मांग अब तक अधूरी है, इससे चौरसिया समाज आक्रोशित है। हमने प्रस्ताव सभी राजनीतिक दलों को भेजा है, बात हुई है, पर महत्व अभी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं मिला। जिस तरह अभी सभी समाज के बोर्डों का भी गठन हुआ, निगम मंडल भी बनाए गए, चौरसिया समाज को उससे भी वंचित रखा गया है। चौरसिया समाज काफ़ी वर्षों से मांग कर रहा है पान विकास निगम बनाने की, न पान विकास निगम बना, न हमारे समाज के किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। चौरसिया समाज का कहना है कि भारतीय पान की डिमांड कई देशों में है, लेकिन उसके बावजूद सरकार पान की खेती को प्रमोट नहीं कर रही है, यह बात लोगों को हैरत में डाल रही है। शहर के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत 25 से ज्यादा छात्रों ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। युवाओं का कहना है कि आगामी चुनाव में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल कमर कसते नजर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में 25 से ज्यादा छात्रों ने नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू के हाथों भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSVI की सदस्यता ग्रहण की। आज कई स्कूल और कॉलेजेस से छात्र आए, वो NSVI से जुड़ना चाहते थे, कई दिन से उनसे चर्चा चल रही थी। 25 लोगों ने एक साथ आज NSVI ज्वाइन की है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये आकर्षण इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए लड़ाई लड़ती है और जब शासन में आती है तो उनकी सेवा करती है। NSVI भी जिन कॉलेजेस में NSVI के छात्र हैं, निश्चित तौर पर वो वहाँ के स्टूडेंट्स के हितों की लड़ाई निरंतर लड़ते हैं और उनको संरक्षण देते हैं कि उनका कहीं अहित ना हो। इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर, इन सभी विचारधाराओं को दिमाग में रखते हुए हमारे ये सभी साथी आज NSVI में शामिल हुए हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई, इनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ।
आज मैं और मेरे 25 साथियों ने नगर निगम कार्यालय में आके महापौर जी एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के मार्गदर्शन में NSUI का दामन थाना हम अपनी पूरी निष्ठा से छात्र हित में समर्पित हैं। बहरहाल कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही प्रमुख दल कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई में लगे हुए हैं। खेल दिवस के उपलक्ष्य में जागरूक खेल संघ के द्वारा सदर से मैराथन दौड़ आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर शहरवासियों को खेलों के प्रति जागरूक किया और सेहतमंद रहने का संदेश दिया। जागरूक खेल संघ एवं MP मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सदर विमानी पेट्रोल पंप के पास से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 10, 8, 5, 4 और 3 किलोमीटर की कैटेगरी में दौड़ शामिल रही। इस स्पर्धा में हर आयु वर्ग के धावक धाविकाओं ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करने और खेल के जरिए सेहतमंद रहने का संदेश देने के मकसद से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए प्रतिभागियों में भी खासा उत्साह देखा गया। खेल दिवस पर आयोजित होने वाली यह मैराथन रेस रविवार होने के कारण हम लोगों ने 2 दिन पहले की है और यहाँ पर अच्छी मात्रा में दर्शक और खिलाड़ी आए हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे खिलाड़ी और बच्चे पढ़ाई के साथ खेल में भी अग्रसर हैं। दरबानी पेट्रोल पंप से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये आयोजन जागरूक खेल संघ, MP मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन, जिला एथलेटिक एसोसिएशन और जागरूक किसान मंच के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस आयोजन में पूरे शहर के शासकीय अशासकीय स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। प्रतियोगिता के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना भी बतौर अतिथि शामिल रहे। वाहनों की आवाजाही के बीच बीती रात तिलवारा रोड पर अचानक एक अजगर आ गया। बीच सड़क पर अजगर को देखकर गाड़ियों के ब्रेक लग गए और लोग अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगे। काफी देर तक वो लोगों के कौतूहल का विषय बना रहा। ये नजारा है तिलवारा रोड बाजनामठ मंदिर के आगे का, जहां पर स्थित एक होटल के सामने रोड पर विशाल काय अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। बीच सड़क पर अजगर को तफरी करते देख दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई और कुछ लोग मोबाइल से इसका वीडियो बनाने लगे। इसी बीच वहां से गुजर रहे श्रीकांत साहू ने जानकारी की कि घटना रात 11:30 बजे के आसपास की है। हालांकि कुछ देर तक अजगर सड़क पर था, लेकिन धीरे धीरे सड़क पार कर झाड़ियों की ओर चला गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। मंडी मदार टेकरी में बीती रात 1 बजे हुए विवाद के दौरान एक युवक ने छोटी ओमती निवासी आमीन मंसूरी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हमला करने वाला आरोपी नशे का आदी है और घटना के कुछ देर बाद गोहलपुर में उसको भी किसी ने चाकू मार कर घायल कर दिया। छोटी ओमती निवासी आमीन मंसूरी अपने दोस्त के साथ बीती रात 1 बजे मंडी मदार टेकरी गया था, जहां पर चाय पीने के दौरान कल्लू उर्फ सलमान ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची हनुमानताल पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आमीन भाई खड़ों के चाय पी रहे थे, वो आया अचानक चाकू चलाने लगा। लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें चाकू मार दिया। कोई कारण नहीं था, खड़ों के चाय पी रहे थे, अपना धंधे से उतर के आए, वो अपना खड़ों के चाय पी रहे थे, उसमें कोई बात नहीं है। और कहे कल्लू करके लड़का है, वहीं रहता है, मंडी का लड़का है। क्या करता है? रहता है, कसाई है वो। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा भाई डला था, उसके पहले भी फिर जो वहाँ हुआ तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये चाय पी रहे थे और अचानक वो कल्लू नाम का था और चाकू चलाने लगा। हनुमानताल TI MD नागौतिया ने बताया कि आरोपी सलमान नशे का आदी है और घटना को अंजाम देने के बाद वो गोहलपुर की ओर भाग गया, जहां पर फिर से उसका विवाद हो गया और उस पर भी चाकू से हमला हुआ है। फिलहाल वो मेडिकल में इलाजरत है। मदार टेकरी मैदान में अमीन करके व्यक्ति है, फरियादी, वो वहां पर उपस्थित था, जो किसी काम से छोटी उमती से आया था, तभी वही मदार टेकरी के पास रहने वाला एक नशेड़ी व्यक्ति है सलमान,
और उसने चाकू से हमला कर दिया, जो प्रार्थी अमीन को सीने के ऊपर घाव लगा, जिसको तत्काल एडमिट करा दिया गया और पूर्णतः स्वस्थ है वो। आरिफ को भी भोलपुर में फिर पुनः रात भागने के विवाद हुआ, तो वहाँ पर उसको भी इंजरी हुई है, वो भी आरोपी भी मेडिकल हॉस्पिटल में इलाजरत है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना जारी है, पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।